What's up guys, welcome back to APRAMEYE vlogs. So I'm back with a brand new video और आज की वीडियो जो है कुछ बाइक के पेपर से रिलेटेड है, मतलब कैसे आप अपनी बाइक के जो पेपर्स होते हैं लाइक RC इंश्योरेंस और जो पॉल्यूशन बाइक टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बाइक के लिए, उसको आप कैसे प्रॉपरली अपने बाइक में सेफली रखो, अपाचे में या फिर और भी किसी बाइक में, तो उसी बारे में आप बात करने वाले हैं तो आपको बताता हूँ। अपाची में या फिर किसी भी बाइक में पेपर्स रखने के लिए मैक्सिमम जगह सिर्फ यही होती है सीट के नीचे, जहाँ पे और सीट के नीचे बहुत कम जगह होती है पेपर्स रखने के लिए, बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार तो पेपर रखने में। एक बार आपको दिखाता हूँ इसकी सीट खोल के। सो गाइस अभी एक बार मैं सीट खोलता हूँ, उसके पहले उससे खोलने से पहले एक बार ये पैनल खोलना पड़ता है साइड का, जो कि खुद में एक थोड़ा मुश्किल टास्क है। बहुत खतरनाक लॉक्स होते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे एक खींचने का कुछ चीज़ होती है, आई डोंट नो, रस्सी टाइप की कुछ वायर है, उसको खींच के आपकी सीट जो है खुल जाएगी। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो ये इसमें इतनी सी जगह होती है सिर्फ पेपर्स रखने के लिए, ये बस इतनी सी जगह होती है। और आपको ये दिखा दूँ, ये जो ये बैग टाइप का मैंने ले रखा है ये आता भी नहीं है, आपको अलग से लेना पड़ता है। तो पहले हुआ क्या, जब मैंने बाइक ली थी तो उन्होंने ये बैग वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, सिर्फ एक पॉलीथीन की प्लास्टिक की वो थी, पॉलीथीन टाइप की थी, उसमें डाल के पेपर्स और इस यहाँ पे इस जगह पे रखे हुए थे, जो कि बहुत अनटाइडी था। बाइक में वॉश करवाया था मैंने 2-4 बार, उसी में वो पॉलीथीन के अंदर भी पानी चला गया था पता नहीं कैसे, तो बिल्कुल बहुत बेकार तरीके से उन्होंने दे रखा था। तो उसके बाद मैं TVS में गया और मैंने फिर ये मांगा, तब उन्होंने फिर मेरे को ये पाउच दिया था। आपको दिखाता हूँ इसमें पेपर्स कैसे रखे जाते हैं, मतलब इसमें अलग कंपार्टमेंट्स तो नहीं है बट हाँ एक साथ है, जैसे ये मेरी बाइक की सर्विस बुक है, उसके बाद ये बिल और इंश्योरेंस है, उसके बाद ये है यहाँ पे पॉल्यूशन, ये मेडिकेट, और इसी के साथ में रखी हुई है मेरी बाइक की RC, तो देखते हो RC भी साथ में रखी हुई है। सो गाइस इस चीज़ को ना बहुत अच्छे से, ये बैग काफ़ी बड़ा है वैसे इन पेपर्स के हिसाब से, तो इसको ना प्रॉपरली एक कोने में करके रखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत हुई थी जब वो जो पॉलीथीन थी वो ख़राब हो गई, जिसके बाद मैंने जो बड़ी पॉलीथीन होती है कुछ दिनों मैंने उससे काम चलाया था, क्योंकि मैं ऐसे तो अपने पेपर्स ओपन से रख नहीं सकता था। और वैसे ये चीज़ यार काफ़ी बुरी लगती है मेरे को कि जो स्टोरेज स्पेस होता है बाइक्स में वो बिल्कुल नहीं होता है, मतलब एटलीस्ट स्टोर तो क्या करें, बट एटलीस्ट इतना स्टोरेज स्पेस होना चाहिए कि पेपर्स वगैरह रख सके, यहाँ पे भी इतना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा है बट ज़्यादा कुछ यहाँ पे भी नहीं है। ये होता है बेसिकली पेपर्स के लिए, तो यहाँ पे रखने होते हैं अपने पेपर्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे रख सकते हो इनको, ऐसे पहले तो प्रॉपरली इसको आप बैग में डालो, उसके बाद पहले आप टूल किट रखो जो कि इसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए, और उसके बाद तो मैं आपको दिखाता हूँ आप इसको कैसे रखना है, इसको एक साइड में अच्छे से करके एंड इसको इधर से आप फोल्ड कर दो, और इस जगह पे सिर्फ इसी टूल किट के ऊपर ऐसे आना चाहिए, ये बिल्कुल इस तरीके से, मतलब ज़्यादा ये इधर उधर भी ना हो, बिल्कुल सेंटर में इसको टूल किट के जस्ट ऊपर रख दो इस तरीके से, कुछ ऐसे। तो ये आप इस तरीके से अपने पेपर्स बाइक के वगैरह रख सकते हो, वैसे काफ़ी कम स्पेस है, अगेन आपको बता रहा हूँ, बट स्टिल आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे काम चल जाएगा आप लोगों का। अब दोबारा सीट बंद करना भी वैसे काफ़ी बड़ा टास्क, आपको दिखाता हूँ एक बार सीट बंद करना भी। कुछ भाई पूछते हैं सीट कैसे बंद करते हैं, तो इधर ये जो हुक होता है बेसिकली ये यहाँ पे जाता है, तो बेसिकली ये जो हुक होता है जो यहाँ पे ये है, ये इसके अंदर यहाँ पे जाता है ये, और अब इसको इस तरीके से ऐसे पीछे, तो ऐसे बेसिकली इसको पीछे से आगे ऐसे धक्का देना होता है एंड वो सीट अपना चली जाएगी, उसके बाद ऐसे एक बार एंड ये बंद हो जाती है। उसके बाद ये भी लगाना होता है यार, ये काफ़ी मुश्किल होता है वैसे लगाना स्टार्टिंग में, वैसे जब मैंने बाइक ली थी तो मुझे पता भी नहीं चला था सीट कैसे खोलते, क्योंकि मैंने किसी सीखा नहीं था, फिर मैंने पूछा आसपास, फिर मेरे को पता चला, एंड ये कुछ इस तरीके से वापस लग जाएगा। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा,
अगर लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।